तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये 4 अमेजिंग DIY। ये न सिर्फ आपके घर को नया लुक देने वाले हैं, बल्कि उसे फेस्टिवल के लिए भी रेडी करने वाले हैं। इन्हें बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया है, डेफिनेटली आपको भी आएगा। ये बहुत ही ईजीली बन के तैयार हो जाते हैं। इन्हें मैंने वेस्ट मटीरियल से बनाया। चलिए बनाते हैं हम अपना फर्स्ट DIY। इसके लिए मैंने ग्लास बॉटल ली है। इस पर किसी भी तरह का कोई बेस कोट मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं डायरेक्ट इस पर एक्रेलिक कलर से कलर करने वाली हूँ। इस पर मैंने कुछ ट्री ड्रॉ किए हैं, जिनकी मैंने सिर्फ अभी टहनियाँ ही ड्रॉ की हैं। मैंने 2 ट्री बनाए उसके ऊपर। इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर कुछ हट भी बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैंड से डिज़ाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी स्टेंसिल्स वगैरह की हेल्प से भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर को सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने अपने ब्रश को ड्राई रखा है। इसका मतलब कि उसके ऊपर मैंने बहुत कम कलर यूज़ में लिया और उसे वर्टिकल शेप में टैप टैप करते हुए अप्लाई किया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डार्क से लाइट शेड की तरफ आना है। तो पहले मैंने डार्क ग्रीन कलर किया, फिर उसे लाइट ग्रीन, देन सबसे लाइट ग्रीन कलर को मैंने इस पर अप्लाई किया। टैप टैप करना है, इसका मतलब वो पत्तियों की जो शेप होती है, पत्तियों की जो शेडिंग होती है, वो इस पर नज़र आएगी आपको। इसी तरीके से मैं इस पर एक सन ड्रॉ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया है और उसे स्पंज की हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि उसकी सन रेज या सनलाइट वो का इफ़ेक्ट वो देने वाला है। देन उसके अंदर बीच में मैंने येलो कलर ज़्यादा लेकर के एक सन की शेप बना दी है। इसी तरीके से हम कुछ बर्ड्स भी यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने 3-4 बर्ड्स बनाई हैं, इधर दोनों तरफ मैंने बर्ड्स बना दिए। अब हम इसे हैंग करने के लिए वायर यूज़ में लेंगे। वायर का लूप बना करके मैंने दूसरे वायर से इसकी नेक पे लपेट दिया है, जिससे कि वो ईजिली उस पर हैंग हो सके। ये हमारी लालटेन बन के तैयार है। आप इसमें ईजिली स्ट्रिंग लाइट वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी खूबसूरत लगने वाली है। चलिए बनाते हैं हम अपना सेकेंड DIY। इसके लिए मैंने ग्लास बॉटल लिए, जिस पे मैंने एक कोट जैसो अप्लाई कर दिया। उसके ड्राई होने के बाद में मैंने उसके ऊपर 2 कोट वाइट कलर के अप्लाई किए। अब मैं इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस पे एक बुद्धा बनाने वाली हूँ। जब येलो कलर सूख जाएगा, तो मैं ऑरेंज कलर से शेडिंग करने वाली हूँ। बुद्धा के पीछे जो लाइट नज़र आती है, मुझे वो इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने येलो ऑरेंज कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पे कार्बन पेपर की हेल्प से मैं बुद्धा का एक इमेज ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे, जो आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं इस पे जो हेड के पीछे जो किरणें निकलती हैं, एक प्रकाश निकलता है, वो बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लाइट येलो कलर लेकर के उसके स्ट्रोक्स बनाए हैं इनके हेड के चारों तरफ, तो वो एक प्रकाश का इफेक्ट देता है इसके अंदर। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए,
तब हम इसके ऊपर ब्लैक कलर करने वाले हैं। हम स्टैचू को टोटली ब्लैक करके रखेंगे, तो इस पे हम ब्लैक कलर अप्लाई कर लेते हैं। लीजिए, बनके तैयार है। आप इजीली इसके अंदर लाइट वगैरह रख करके, लाइट्स डाल करके एक कोने को सजा सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। चलिए नेक्स्ट DIY के लिए। ये जैम की खाली बॉटल है जिसके ऊपर मैंने सेम उसी पैटर्न में जैसो अप्लाई करके वाइट कलर अप्लाई किया है। देन अब मैं उसके ऊपर येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक सनसेट का इफ़ेक्ट बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने येलो कलर के ऊपर ऑरेंज कलर के स्ट्रोक्स बनाए हैं, जो बादल दिखते हैं शाम के वक्त उस तरीके से। आप उन स्ट्रोक्स को टोटली मिक्स मत कीजिए, हल्का हल्का मिक्स कीजिए, तो वो शाम का इफ़ेक्ट हमारे सामने आएगा इसमें। साथ ही मैंने एक सन बना दिया है, उसके ऊपर भी हल्का सा स्ट्रोक दिया है, जिससे कि सन के सामने बादल हैं। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर से कुछ ट्री वगैरह ड्रॉ करने वाली हूँ, जो शेडो दिखती है, जो शाम के टाइम पे इस तरीके से हमें ब्लैक कलर की सीनरी नज़र आती है, वो इफेक्ट ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने जो भी कलर अप्लाई किया है वो बहुत कम है, और साथ में उसे वर्टिकल एंगल में अप्लाई किया, जिससे कि वो फैलता नहीं है, वो एक शेडो का इफ़ेक्ट देता है। इसी तरीके से नीचे की जो ग्रास बनानी थी उसके लिए भी मैंने ड्राई ब्रश को स्ट्रोक्स दिए, जिससे कि वो घास का इफ़ेक्ट दे, कि लंबी लंबी घास है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये शाम का सनसेट का इफ़ेक्ट बनाना था, तो मैंने इस तरीके से बना दिया, क्योंकि कैंडल जब इसमें जलती है तो वो बहुत ही अच्छा लुक देती है, जब इसमें रोशनी, येलो में रोशनी नज़र आती है। तो मैं इसे एज ए कैंडल होल्डर भी यूज़ में ले सकती हूँ, और साथ में आप इसमें लाइट्स लगा करके भी किसी कोने में रख सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लावर पॉट की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, एक प्लांटर के जैसे। ड्राई ब्रश से करने से ये बहुत अच्छे से इफेक्ट आता है, जैसे घास है लंबी लंबी उस तरीके से। कुछ बर्ड्स मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करी हैं, तो ये टोटली रेडी है। अब इसमें हम लाइट लगा करके अच्छे से रख सकते हैं, अदरवाइज हम कैंडल बना सकते हैं इसकी। चलिए हम बनाते हैं अब अपना फोर्थ DIY। इसके लिए भी मैंने वही मेथड फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने जैसो अप्लाई किया, देन उसके ऊपर मैंने दो कोट एक्रेलिक कलर के, वाइट एक्रेलिक कलर के। इसके लिए अब मैं ले रही हूँ मास्किंग टेप। अब इसके ऊपर मैं मास्किंग टेप अब चिपकाने वाली हूँ। मैं इस पे किसी भी रैंडम शेप में चिपका रही हूँ इसे, आप अपने अकॉर्डिंग चिपका सकते हैं इसे। मैंने इसमें अलग अलग शेप्स बना दी हैं, मास्किंग टेप को मैंने इस तरीके से चिपकाया कि इसमें अलग अलग शेप्स बन गई। अब मैं उस हर एक शेप में अलग अलग कलर, अलग अलग शेड से कलर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे स्पंज ही लिया है, क्योंकि स्पंज का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने बहुत ही नियॉन से, बहुत ही ब्राइट से कलर यहाँ पे लिए हैं। जब ये ड्राई हो जाए तब हम इसका मास्किंग टेप हटा देंगे, तो इनका शेप बहुत अच्छे से बन के आ जाएगा। अब ब्लैक मार्कर की हेल्प से मैं इन सब शेप्स की एक आउटलाइन बनाने वाली हूँ। देखिए, आउटलाइन बन के तैयार है। आप इसे ऐसे भी यूज़ में ले सकते हैं, ऐसे भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैंने इसके ऊपर उसी ब्लैक मार्कर से कुछ लाइनें बनाई हैं, जो एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे पे वर्टिकल हॉरिजेंटल ही गिरती हैं,
तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इस पर लाइन्स ड्रॉ करी हैं। तो ये जो इसकी गैप्स थे वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं। इससे ये बहुत अच्छा सा ब्लैक और कलरफुल का इफ़ेक्ट आ रहा है। ये देखिए ये पूरी बॉटल बन के तैयार है। लीजिए ये खूबसूरत सा फ्लावर वास बन के तैयार है। तो चलिए गाइस, मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इन अमेजिंग DIYs को आप अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई करें। आपको इनमें से कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।